दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हैं और जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी दी हुई है, वाईफाई की सुविधा दी हुई है और जब आप उसमें इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वाईफाई का आइकन्स नहीं शो हो रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रॉस का निशान आ रहा है और नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शन आर अवेलेबल, ये एरर आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यही जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको आसान टिप्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या काम करना होगा। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको, यहाँ पे स्टार्ट जो दिया इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल लिखना है। तो जैसे आप कंट्रोल लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल आ चुका है। आपको इस कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर अगला जो विंडो ओपन हो चुका है, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो मिडिल में दिया है इंटरनेट जो ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरनेट प्रॉपर्टीज आ चुका है और यहाँ पे जो लास्ट में जो यहाँ पे मेनू दिया है एडवांस दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्टोर एडवांस जो सेटिंग दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसके नीचे आप देख पा रहे हैं रिसेट दिया है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे रिसेट पे क्लिक कर दिया हूँ। फाइनली यहाँ पे जो इसके टॉप पे रिसेट आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिसेट हो चुका है। फाइनली जैसे इसको हम क्लोज करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगा, पुनः इसको एक बार आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हैं विंडो यहाँ पे क्लोज हो चुका है छोटा वाला। पुनः आपको जो यहाँ पे इंटरनेट जो ऑप्शन दिया इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई हो चुका है रिसेट, आपको फाइनली यहाँ पे ओके कर देना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इतना काम करना है, इसके बाद आपको क्या काम करना है चलिए जानते हैं। एक बार पुनः आपको यहाँ पे जो स्टार्ट दिया है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। CMD, जैसे आप CMD टाइप करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो कमांड चलाने हैं और इन दोनों कमांड को मैंने पहले से नोटपैड के अंदर लिख रखा है और ये कमांड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से देख के आप इसको बिल्कुल ऐसे ही टाइप करना है। आपको ध्यान रखना है जितना गैप है वैसे आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो पहला कमांड दिया है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आपको अपने सिस्टम पे इसको टाइप करना है और बिल्कुल ऐसे ही टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर चुका हूँ फिलहाल, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। फाइनली आपको यहाँ पे इंटर करेंगे, तो जैसे इंटर करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे आउटपुट आएगा। इसके बाद जो दूसरा जो हमारा कमांड है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख के आपको लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है। यहाँ पे लेटेस्ट ये जो दूसरा कमांड है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, तो हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिलहाल आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल आपको लिख सकते हैं, आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ ऐसे डिस्प्ले आपको मिलेगा। फाइनली यहाँ पे बॉटम पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, रिस्टार्ट द कंप्यूटर टू कंप्लीट द एक्शन। कहने का मतलब आप चाहे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर वाईफाई की फैसिलिटी दी हुई है, तो ये जो भी आपने डिवाइसेस को रिसेट किया है ये अप्लाई होने के लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप को एक बार आपको रिस्टार्ट करना होगा। दोस्तों जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट जो है चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाईफाई का जो आइकन है यहाँ पे आ रहा है, जितने भी वाईफाई के सिग्नल हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।